In this video, we will discuss about oxidizing agent, reducing agent in term of oxidation number. तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि oxidizing agent किसे कहते हैं in term of oxidation number. वो सभी substance जो अपने maximum oxidation number में हैं और अपने oxidation number को decrease कर सकते हैं electron gain करके, उन्हें हम oxidizing agent कहते हैं. जैसे यहाँ पर कुछ example आप देख सकते हैं कि यहाँ पर HClO4, यहाँ Cl की oxidation state +7 है, KMnO4 में Mn की +7 है, Cl2 0, Br2 0, F2 0 और H2O2 -1 और ये +7 है. तो ये सभी ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, सपोज हम ले लेते हैं HClO4. HClO4 अगर मान लीजिए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, HClO3 भी बना सकता है, ये HClO2 भी बना सकता है, ये HClO भी बना सकता है. तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +3 +1 है, तो इन सब में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है. तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, भाई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पर इसका रोल क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हो सकता है, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ ये सब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर सकते हैं, Mn भी कर सकता है, Cl2 जो है 0 से -1 हो सकता है, Br भी -1 में कन्वर्ट हो सकता है, F2 -1 में कन्वर्ट हो सकता है, और ऑक्सीजन जो है वो -1 से -2 में कन्वर्ट हो सकता है, और Cl +7 में वो वापस से डिक्रीज कर सकता है. तो ये वो सब्सटेंस है जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके. तो हम कह सकते हैं विच कैन डिक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सके, ठीक है. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. अब इंक्रीज कैसे करेंगे, भाई नेचुरल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी. तो अभी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है. अगर हम बात करें देखो SnCl2, तो SnCl2 में अगर आप देखें Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और अगर ये SnCl4 में कन्वर्ट होता है तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से +4 में कन्वर्ट करेगा. दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है. तो जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सके वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है. सिमिलरली Hg2Cl2 का अगर आप देखते हैं, Hg2Cl2 तो ये कन्वर्ट होता है HgCl2 में, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो नेचुरल है इसने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज किया. सिमिलरली HNO2 को HNO3 में चेंज किया जा सकता है. अभी फिलहाल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो अगर ये HNO3 में कन्वर्ट होता है तो आप देखिए +3 से +5 में इंक्रीज हो सकता है, इसका मतलब ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है. सिमिलरली FeCl2 FeCl3 में चेंज हो सकता है, H2SO4 में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4. सिमिलरली यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2. तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 या +6 में कन्वर्ट कर सकता है. तो ये सभी वो सब्सटेंस हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है. और ऊपर वाले जो है ये डिक्रीज कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप HNO2, यहाँ इसको रफ कर देते हैं और इस एग्जांपल को देखते हैं. यस, जैसे HNO2, तो यहाँ देखिए अगर ये HNO3 में कन्वर्ट होता है तो आप देखिए फिलहाल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, अगर आप फाइंड करेंगे तो +3 आएगी, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. डिक्रीज करके क्या बना सकता है, देखो NH3, देखो आप NH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3, ठीक है. तो -3 यहाँ +5,
तो ये डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज कर सके तो उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सिमिलरली SO4 देखिए आप, SO2 में यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो ये बढ़ा करके +6 भी कर सकता है, -2 भी कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर +4 है, ये भी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। जैसे अभी मैंने SO2 का बताया ना बेटा, SO2 SO2 अगर इंक्रीज करता है तो SO3 में चेंज हो जाएगा +4 से +6 में, और डिक्रीज करता है तो देखो ये H2S में भी कन्वर्ट हो सकता है, H2S में -2 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी इसका आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों काम करेगा, ठीक है। या ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बढ़ रही है यानी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सिमिलरली फिर लिखा हुआ है H2SO3, तो यहाँ पर आप देखो इसकी कितनी है +4, और हमें पता है सल्फर बढ़ाकर +6 कर सकता है, घटा करके -2 तक कर सकता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। सिमिलरली HClO2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो बढ़ा करके कितना कर सकता है, देखो HClO4 में +7 कर सकता है, और डिक्रीज करे तो कितना कर सकता है, ठीक है, HCl में देखें तो -1 कर सकता है। तो कहने का मतलब है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब इस एग्जांपल में देखिए हमें यह पहचानना है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। जैसे यहां देखिए आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास +6, अगर आप फाइंड करेंगे +6 आएगी, और यहाँ इस Cr3+ आयन में जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 से +3 में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रही है। और हमने अभी क्या बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, विच कैन डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर सके। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको देखो H2O2 को, यहाँ पर H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, क्योंकि परोक्साइड है, हाइड्रोजन परोक्साइड, और यहाँ ऑक्सीजन की कितनी है 0, तो बताओ -1 से 0 हुआ तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, नेचुरल है यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट को इसने इंक्रीज किया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कौन सा एजेंट हुआ बताओ, ये हुआ अपना रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट और डिक्रीज होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम किया जा सकता है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। एक्चुअली इस मेथड में हम क्या करते हैं, रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद पहले जो हाफ ऑक्सीजन पार्ट है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, उसे बैलेंस करते हैं, फिर रिडक्शन वाले पार्ट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इस पूरी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बस उसे ध्यान से देखते जाना है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि इसी ऐसी रिएक्शंस को हम एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस करते हैं और बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर दिया गया है कि इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, इसलिए हम इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है आपको, हाफ रिएक्शन मेथड है, तो इसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए पहले सबसे पहला काम है कि ये पहचाने कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो क्रोमियम हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट,
क्रोमियम हैज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस सल्फर हैज प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ यू कैन सी दिस क्रोमियम इज चेंजिंग इनटू प्लस 6 टू प्लस 3. और हमें पता है कि अगर कोई सब्सटेंस जो है प्लस 6 से प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला सब्सटेंस होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को प्लस 6 से प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, रिड्यूसिंग, रिडक्शन होता है. तो यहां पर इस रिएक्शन का ये किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का एग्जांपल है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं SO3 से SO4 में कन्वर्जन, तो देखो प्लस 4 से प्लस 6 में, और प्लस 4 से प्लस 6 में अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है दैट मींस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है. और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन. इसका मतलब ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का. तो हमें क्या करना है, पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, उन्हें बैलेंस करके आपस में ऐड कर लेना है. तो पहले मैं कर रहा हूं यहां पर बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा, देखो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है SO3 2 माइनस इज चेंजिंग इनटू SO4 2 माइनस. ठीक है, ऐसे ले लो या इसको बैलेंस करेंगे. तो अब इसको बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है. तो आप देखिए यहां हमारे पास सल्फर है जो इक्वल है दोनों तरफ, फिर ऑक्सीजन को कंपेयर करें, 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, दैट मींस ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं उस डायरेक्शन में जहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जहां ऑक्सीजन कम है. तो यहां हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो मैं यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं. ठीक है, तो नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस. अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है, ध्यान रखना जो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इधर ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड में. टू बैलेंस हाइड्रोजन वी विल ऐड 2H+ ion. तो हम यहां 2H+ ion ऐड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के. ठीक है, अब हमने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया, सल्फर भी बैलेंस कर दिया. ठीक है, स्टेप ध्यान रखना बेटा, पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वाटर ऐड करने से हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए H+ ion को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया. अब ये सब बैलेंस है लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है. अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इसका चार्ज कैलकुलेट करें. पहले यहां -2 चार्ज है और यहां -2 और +2 चार्ज है, तो यहां तो 0 हो गया और यहां -2 है, तो इसका मतलब चार्ज बैलेंस नहीं है. तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप केवल इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ना कुछ हटा सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ भी छोड़ सकते हैं. तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस डायरेक्शन में जहां चार्ज बैलेंस हो रहा हो. तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव होते हैं और यहां -2 है, यहां 0 है, तो मुझे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो 2 नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ जाएगा. अब यहां 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब चार्ज दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया. अब ये रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हुई है. अब हम बैलेंस करते हैं रिडक्शन हाफ को. यहां पर बैलेंसिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अब रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो ये रहा Cr2O7 2 माइनस is changing into Cr3+. ठीक है, इसको बैलेंस करना है. अब इसको बैलेंस करने के लिए पहला काम जो आपको करना है वो देखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है वो बैलेंस है. Chromium 2, Chromium 1, दैट मींस क्रोमियम इज नॉट बैलेंस. तो क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए आप यहां 2 प्लेस करेंगे. नाउ क्रोमियम हैज बैलेंस्ड बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं. तो आप यहां पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए आपने. अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद आप देखिए इंबैलेंस हो गया वापस हाइड्रोजन की वजह से. तो यहां अगर मैं 14 हाइड्रोजन देख रहा हूं, यहां एक भी नहीं है, तो अगर मैं यहां 14 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं,
ठीक है, 14H प्लस आयन ऐड कर देता हूं, तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब चार्ज को चेक करेंगे, चार्ज कितना है, -2 प्लस 14 यानी +12 चार्ज है रिजल्टेंट चार्ज, और यहां पर कितना है +3 इनटू 2 यानी +6, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस, इधर +6 ज्यादा है उधर +6 कम है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर -6 ऐड कर दूं तो यहां +6 बच जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा, -6 ऐड नहीं करूंगा लेकिन मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूं, तो इन्हें हटा करके और मैं 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूंगा, वापस लिख रहा हूं इसको Cr2O7 plus 14H plus plus 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू Cr3 plus 7H2। अब आप देख सकते हैं ये रिएक्शन जो है वो हर तरह से बैलेंस है, चार्ज इन टर्म ऑफ चार्ज, इन टर्म ऑफ क्रोमियम, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब ये दोनों बैलेंस हो गई है रिएक्शन हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ भी और रिडक्शन हाफ भी। अब इन दोनों रिएक्शन को, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है, लेकिन बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड और गेन शुड बी इक्वल, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो उन्हें इक्वल करने के लिए आप देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और एक्चुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता एक रिएक्शन में कि एक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे दूसरा 6 गेन कर ले, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल के लिए हम क्या करें, इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, जैसे यहां 6 है यहां भी 6 हो जाएंगे, कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखो 3SO3 टू माइनस प्लस 3H2O गिव्स 3SO4 टू माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप दोनों रिएक्शन को देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब हमें करना क्या है, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है, ठीक है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को ऐड कर देना है। तो यहां लिख देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को ऐड करने। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या है हमारे पास, देखो हाँ उसमें Cr2O7 टू माइनस, ये चार्ज हमने नहीं लगाया, प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास 3SO3 टू माइनस, देन और क्या आपके पास 3H2O और क्या है 14H प्लस, एक बार तो लिख लेता हूँ फिर कैंसिल कर देंगे, 14H प्लस इलेक्ट्रॉन लिखने नहीं है आपको, इलेक्ट्रॉन चलो एक बार तो लिख दो फिर बाद में कैंसिल हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, ये तो क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, अब राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लिखना है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 2Cr3 प्लस, देन 3SO4 टू माइनस, देन आपके पास में है 6, पहले वो लिखो 7H2 और फिर 6H प्लस। अब जो और इलेक्ट्रॉन बच गए तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, H प्लस आयन से H प्लस आयन कैंसिल कर दें, 6 इधर है 14 इधर है, इधर कितने बच जाएंगे आपके पास 8H प्लस बच जाएंगे, ठीक है। वाटर मॉलिकल भी कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ 3 वाटर मॉलिकल है आपके पास और यहाँ वाटर मॉलिकल है 7, तो यहाँ कितने बच गए 4H2, ओके बाकी सब बैलेंस है। अब इस पे एक बार और लिख लो, दैट विल बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हम इसको दोबारा रिराइट कर लेते हैं, Cr2O7 टू माइनस 3SO3 टू माइनस प्लस 8H प्लस, ये तो आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट देखें 2Cr3 प्लस 3SO4 टू माइनस प्लस 4H2O प्लस कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है, हम इसको चेक कर सकते हैं, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 एंड 6 13 और यहाँ ऑक्सीजन कितने 12
और 13 इधर कितने हो गए हमारे पास 7 एंड 9 16 और यहाँ पर कितने 8 एंड 12 एंड 4 यहाँ भी 16 है ठीक है और H प्लस आयन देखें तो 8 इधर है और 8 इधर H बैलेंस है ऑक्सीजन हमने देख ही लिया क्रोमियम 2 तो पूरी तरह से बैलेंस है आप चार्ज और देख लेते हैं इसका चार्ज कितना आ रहा है -2 प्लस कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पर देखो 6 -2 × 3 -6 और +8 रिजल्टेंट कितना बच रहा है इधर पर 0 और इधर देखिए चार्ज कितना है +6 इन दोनों का और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है -6 यहाँ भी कितना आ रहा है रिजल्टेंट 0 तो दोनों तरफ 0-0 चार्ज आ रहा है इसका मतलब ये रिएक्शन अब पूरी तरह से बैलेंस है तो इस तरह से एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ की हेल्प से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं सेम रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करते हैं ये जो मैंने बैलेंसिंग आपको बताई थी ये मैंने एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग बताई है अगर यही रिएक्शन और यही इक्वेशन को आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं एक बार सेम रिएक्शन के देखिए अब यहाँ पर सेम वही रिएक्शन है वही मेथड है लेकिन मैंने यहाँ पर एसिड की जगह क्या कर दिया है बेसिक मीडियम कर दिया है अब बेसिक मीडियम में हम इसको बैलेंस करेंगे तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है जो भी अपन ने लास्ट रिएक्शन में किया था कि आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ और ये हमने ऑलरेडी इसको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसे ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो पहले बैलेंस कर रहा हूं मैं बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करें तो आपके पास ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है देखो SO3 2- और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास SO4 2- ठीक है अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए पहला वही मेथड है सेम बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा सल्फर सेम ऑक्सीजन सेम नहीं है यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया था वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था यहाँ आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए हैं बट यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या ऐड किया था आपने 2H प्लस आयन ऐड किया ठीक है तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है अब ध्यान रखना अगर एसिडिक मीडियम होता तो हम इसको यहीं तक बैलेंस करते फिर चार्ज बैलेंस कर देते लेकिन ये एसिडिक मीडियम नहीं है ये बेसिक मीडियम है तो यहाँ इस एसिडिक मीडियम को आपको हटाना पड़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है जितने एच प्लस आयन है उतने ही ओ एच माइनस आयन दोनों डायरेक्शन में आपको ऐड करने हैं इन बोथ द डायरेक्शन तो 2OH- आयन ऑन राइट हैंड साइड एंड 2OH- आयन ऑन लेफ्ट हैंड साइड नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड ठीक है अब ये रिएक्शन जो है हाफ वाली जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है चार्ज काउंट करना है -2 इसके ऊपर चार्ज है और -2 इसके ऊपर चार्ज है यानी टोटल चार्ज हुआ -4 यहाँ देखें -2 इस पर चार्ज है और +2 इस पर चार्ज है और -2 इस पर चार्ज है इसको इससे कैंसिल कर दो रिजल्टेंट चार्ज -2 तो यहाँ -4 है या -2 है तो यहाँ नेगेटिव ज़्यादा है अब नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए जैसा हमने कहा हम केवल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करें कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाए तो यहाँ तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ऐड करूंगा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ अब ये बैलेंस हो गया ठीक है तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है अब हम क्या करेंगे बाकी आधी रिएक्शन ले लेते हैं कौन सी बैलेंसिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए पहले देखिए क्या है हमारे पास Cr2O7 2- और ये कन्वर्ट हो रही है हमारे पास Cr3+ में ठीक है तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप देखिए क्रोमियम 2 है यहाँ पर क्या क्रोमियम 1 है क्रोमियम बैलेंस नहीं है तो मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा लेकिन अब इसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं तो अगर आप ऑक्सीजन देखते हैं तो यहाँ 7 है यहाँ ऑक्सीजन है नहीं
तो जैसा हमने कहा था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने अपोजिट डायरेक्शन में, तो 7 ऑक्सीजन है, 7 H2O को ऐड करते हैं आप यहाँ पर। अब H2O ऐड करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या मेथड है हमारे पास, 14H+ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 14H+ लगाएंगे, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद हमें यहाँ देखना है कि ये मीडियम एसिडिक हो गया है, मीडियम एसिडिक नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो मीडियम को बेसिक करने के लिए आप दोनों तरफ OH- ऐड करेंगे जितने H+ हैं, ठीक है। तो यहाँ 14H+ है, तो मैं यहाँ 14OH- इधर और 14 ही OH- इस डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 14OH- को ऐड कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने 14OH- ऐड किया है, इससे हमारे पास कुछ वाटर, अच्छा ये चीज तो है ही, वाटर मॉलिक्यूल भी बन गए हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये दोनों मिलके 14H2 बना देंगे, ठीक है, Cr2O7 2- 14H2O gives 2Cr3+ plus 7H2O और 14OH- फिलहाल ये इस स्टेटस में। अब हमें क्या करना है, इसका चार्ज भी बैलेंस करना है। तो चार्ज अगर देखा जाए तो यहाँ -2 चार्ज है और यहाँ पर +6 चार्ज है और यहाँ पर -14 चार्ज है, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल चार्ज कितना हुआ देखा जाए तो यहाँ पर 14 में से 6 सेपरेट कर दें आप तो आपके पास आ जाएगा -8। तो अब आप चार्ज को कंपेयर कर लें, वहाँ -8 है, यहाँ +2 है, अब नेगेटिव उधर ज़्यादा है। अब बैलेंस करने के लिए आप केवल इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे इधर ऐड करने और इसको रीराइट कर लेना। अब मैं लिख लूंगा इसको Cr2O7 2- 14H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन देन 2Cr3+ 7H2O 14OH-, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो हमने एक बात कही थी आपको कि जब हम इन्हें बैलेंस करते हैं या ऐड करते हैं रिएक्शन को, तो उससे पहले हमें ये जरूर चेक कर लेना है कि क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अब इक्वल करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, मल्टीप्लाइड बाय 3। और जब ये रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई होगी तो इट विल बी लाइक दिस, 3SO3 2- 3H2O + 6OH- gives 3SO4 2- + 6H+। इनको ऐड कर देते हैं, दोनों मिलकर 2H2 बन रहे हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6H2 हो जाएगा प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, अब ये दोनों रिएक्शन जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब हम चाहे तो कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, देखो इसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं और इसने 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसमें राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए, वाटर ध्यान रखना लेफ्ट और राइट में कैंसिल होंगे, तो यहाँ लेफ्ट साइड में 3H2 और यहाँ 6H2, तो रिजल्टेंट कितना बच गया, 3H2 बच गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ है, देखो 7H2 और यहाँ 14H2, यहाँ कितना बच गया, 7H2 बच गया, ठीक है। अब रिएक्शन को दोनों को मिला के रीराइट भी कर सकते हैं, अच्छा एक OH को भी सेपरेट वो कर सकते हैं, यहाँ 6OH- है और यहाँ देखो आप कितना है, 14, कितना बच गया, 8OH-, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन को मिला के लिख देते हैं, तो मिला के एडिशन ऑफ बोथ रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस का एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, वहां से स्टार्ट करते हैं, Cr2O7 2- देन 3SO3 2-, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास आता है, ये वाले तो कैंसिल हो ही चुके हैं,
और वहां पर क्रोमियम लिख दिया, वाटर मॉलिक्यूल बच गया 7H2, ठीक है, गिव्स। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट हुआ, अब राइट हैंड साइड लिखें। राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है 2Cr3+, देन यहां पर आपके पास बच रहा है 3SO4 2-, साथ में आपके पास बच रहा है 3H2O और 8OH-, ठीक है, और ये 7H2O लिख दिया हमने, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। कैसे पता चल रहा है, बेसिक मीडियम में आप देखिए यहाँ 8OH- अवेलेबल है, यहाँ पर मिक्सचर जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें OH- अवेलेबल है, और OH- है इसलिए इसका मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी, ठीक है। और इसमें जब आप चेक करेंगे तो आप देखना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, या फिर H+ आयन, इलेक्ट्रॉन, वो सब चार्ज सेम है दोनों तरफ, तो ये हमारे पास में बैलेंस होगी रिएक्शन। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स जो है आप और करके देखेंगे, जहां आप उसे एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, और डेफिनेटली आप आराम से कर पाएंगे इसको अच्छी तरह से एक बार समझने के बाद। एक बार इसे अच्छी तरह से देखें, नहीं समझ में आता है एक बार और देखें इस वीडियो को, और फिर एग्जाम्पल को सोल्व करने की कोशिश करें। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक बाय।